क्या बात है नारायण सिंह? साहब जी, कैदी नंबर 413 बेकाबू हो गया है। उसने खाना भी फेंक दिया है। खाना फेंक दिया जी? अच्छा, ताला खोलो। मुझे भेड़ियों को कुत्ता बनाना बहुत अच्छी तरह आता है, और तुझ जैसा कुत्ता जो एक बेबस मासूम लड़की का बलात्कार करता है और उसके बाद उसे जान से मार देता है, तुम्हें उम्र कैद की सजा हुई है ना? मेरा नाम उमराव सिंह है। मुझे तुम जैसे कमीनों से कोई हमदर्दी नहीं। तुमने ये खाना क्यों फेंका? आपकी इस मार का मुझ पर कोई असर नहीं होगा जेलर साहब, कोई असर नहीं होगा। होगा बेटे, होगा। तुम तो ऊपर वाले से यह प्रार्थना करो कि तुम्हारा ट्रांसफर इस जेल से हो जाए। मुझे भी कसम है उस मरी हुई आत्मा की जिसे तुमने ऊपर पहुंचाया है, मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर कर दूंगा। तुम जेल के नियम तोड़ोगे तो मैं इंसानियत के नियम तोड़ूंगा। नियम तो आप तोड़ रहे हैं। आपने मुझे एक ऐसी कोठरी में बंद कर दिया है जहां मैं ठीक से सांस भी नहीं ले सकता। यहां रोशनी नहीं आती, 24 घंटे अंधेरा रहता है। तुम यहां पिकनिक मनाने आए हो? तुमने जो हरकत की है उसके बदले कल से मैं तुम्हें अंडा सेल में रखूंगा। मुझसे किसी भी किस्म की रियायत या रहम की भीख मत मांगना। ताला लगाओ। बंद करो दरवाजा। खाना खा लो, मैं तुम्हें इस जेल की चार दीवारी में भूख से नहीं मरने दूंगी। खाना खा लो, मैं तुम्हें इस जेल की चार दीवारी में भूख से नहीं मरने दूंगी। कुछ नहीं बेटी, तुझे कैसे पता चला कि मैं आ गया हूँ? आप भी कमाल की बातें करते हैं पापा।
आप आए और भला मुझे ना पता चले, मैं आपके कदमों की आवाज पहचानती हूँ। चलिए पापा, आप खाना क्यों छोड़ के चले गए थे वैसे? बेटी एक अड़ियल टेडी को ठीक करना था। पापा चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं और मम्मा कब से आपका इंतजार कर रहे थे, हम लोग साथ में खाना, चलिए ना पापा, हम लोग साथ में खाना खाएंगे, ओके? जिलर साहब आ गए। शिखा, कैदी नंबर 413 ने खाना खाया? बेटे खाने का तो पता नहीं, हाँ तेरे पापा के इस डंडे से उसने मार जरूर खाई है। शिखा, तुम यहाँ हो तो फिर किचन में कौन था? आप किसकी बात कर रही हो मम्मी? मुझे किचन में ऐसा लगा जैसे तुम कह रही हो कि जेल साहब आ गए। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं पापा को जेलर साहब कहूंगी। आप चेंज कर लीजिए, मैं खाना लगाती, अब तो कोई फोन नहीं आएगा ना। अरे भाई नहीं आएगा, मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों खाना खा लो और मुझे एक ग्लास दूध दे दो बस। ये क्या बात हुई, आप खाना खाते खाते उठ के चले गए थे और अब कह रहे हैं कि खाना नहीं खाऊंगा। सुधा, मैं दिन रात चोर उचक्कों खूनियों डाकुओं में घिरा रहता हूं, ये मेरी जिंदगी का एक रूटीन बन गया है, लेकिन जब कभी भी मैं किसी रेपिस्ट या बलात्कारी को देखता हूं तो मेरा खून खौल उठता है, जी चाहता है कि उसे गोली मार दूं, क्योंकि दुनिया की हर लड़की में मुझे मेरी बेटी शिखा की झलक दिखाई देती है। पापा, शिखा बेटी चल हम लोग दोनों खाना खा लेते, बाद में पापा को दूध दे देना। चलिए मम्मी। पूछता हूं कौन हो तुम, बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ सुधा? क्या हुआ पापा, आप इतने जोर से चिल्लाए क्यों? बेटी यहां एक लड़की बैठी थी। लड़की यहां पे? हाँ बेटी, जब मैं कमरे में आया तो मैंने देखा कि यहां एक साया सा दिखाई दिया मुझे, बिजली चमकी तो मैंने रोशनी में देखा कि एक लड़की बैठी है यहां, मैंने उसे आवाज दी तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, मैं उसके करीब आया और वो अचानक गायब हो गई। बेटी हो सकता है कि मेरा वहम हो। पापा मुझे लगता है कि आप बहुत थक गए, आप चेंज कर लीजिए। आप चेंज कर लीजिए, मैं दूध लेके आती हूँ। ठीक है।
चलो उठो, तुझे दूसरे सेल में शिफ्ट होना है। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? ये जेल है, यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। जेलर साहब का ऑर्डर है कि तुझे अंडा सेल में शिफ्ट किया जाए। चलो उठो। बोला ना, नहीं जाऊंगा। जाएगा कैसे नहीं? जेलर साहब को बुलाओ। हेलो साहब, साहब मैं नारायण सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। वो कह दिया है ना साहब 413 नंबर का, वो जेल से सेल से बाहर निकलना नहीं चाहता साहब। जब मैं उसे लेने गया ना तो उसे ने मारपीट करना शुरू कर दिया साहब। अच्छा, मारपीट कर रहा है साहब। मैं भी आ रहा हूँ। बेटी मेरी कैप और स्टिक ले आओ। जी। शिखा बेटे, देखिए क्या हो गया इसे। ये तो बेहोश हो गई। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। शिखा, शिखा बेटे आंखें खोल। शिखा बेटे, शिखा, शिखा आंखें खोल। शिखा डॉक्टर साहब, कोई चिंता की बात तो नहीं है? आप चिंता मत कीजिए, मैंने अच्छी तरह चेकअप कर लिया है, फिर इंजेक्शन भी लगा दिया, अभी होश आ जाएगा। डॉक्टर साहब, शिखा सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं बल्कि उमराव सिंह की जान है, उसकी जिंदगी है। जेलर साहब, मैंने आपसे कहा ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक है, पल्स ठीक है, हार्ट बीट नॉर्मल है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। कौन हो तुम? कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाओ यहां से। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा?
मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। My God, इसका बदन तो तप रहा है। ये अचानक इसको क्या हो गया? जेलर साहब, इसको तो अस्पताल ले जाना होगा। मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करता हूँ। डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए, प्लीज प्लीज। सब खैरियत है? थैंक गॉड, अब वो खतरे से बाहर है। मैंने उसे नींद का हेवी डोज दे दिया है। वो रात भर आराम से सोएगी तो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये अचानक उसे क्या हो गया? मैं अपने तजुर्बे के बलबूते पर सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो किसी वजह से डर गई है। डर गई? उमराव सिंह की बेटी और डरे? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। उसने तो मेरे साथ बड़े बड़े खतरनाक मुजरिमों को देखा है। हो सकता है, लेकिन उसकी बेहोशी की वजह यही है जेलर साहब। खैर, अब आप घर जाइए और आराम कीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी सर। सर, कॉफी रख दो। सुनो। यस सर। ये फाइल गाड़ी में रख दो। जी सर। मैं पूछता हूं, कौन हो तुम? रुक जाओ, रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ। ए लोकी, रुक जाओ। कौन हो तुम?
मैं पूछता हूं कौन हो तुम? मैं शांति, शांति शिवराजन। शांति शिवराजन, ये नाम तो कुछ सुना सा लग रहा है। शांति शिवराजन उस लड़की का नाम है जिसके बलात्कार और हत्या के इल्जाम में शेखर नाम के एक आदमी को उम्र कैद की सजा मिली है। शेखर यानी 413। साहब साहब आपका फोन है साहब। इस वक्त किसका है? मेम साहब का फोन है साहब। अच्छा अच्छा मैं आ रहा हूं। साहब क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, चलो। आधा किलो गोभी दे देना। ये तेरे बोला था ना इसको सब्जी सब्जी मत देना। और तू अभी तक गई क्यों नहीं यहां से? ए आंखें फाड़ के क्या देख रही है? ये मोहल्ला शरीफों का मोहल्ला है। इस मोहल्ले में खूनी और बलात्कारी का परिवार नहीं रह सकता। जा चल जा यहां से। ए कान खोल के सुन ले, 24 घंटे के अंदर अगर तुम लोगों ने घर खाली नहीं किया तो इस घर को आग लगा देंगे। और सुन, घर जाके बुढ़िया को बता देना ये। ए, तेरे को समझा दे रहे, दूसरी बार अगर इन लोगों को सामान दिया ना तो इस गाड़ी को तोड़ फोड़ कर देंगे। माँ जी, माँ जी। क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? माँ जी मोहल्ले वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। आज तो उन्होंने मुझे सब्जी लेने से भी रोका और कहने लगे 24 घंटे में घर खाली कर दो वरना इस घर को जला देंगे। घर को जला देंगे? बेटी, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम पर, मेरे पोते पर आज नहीं आने दूंगी। लेकिन माँ जी अब हम और यहाँ कितने दिन इस हालत में रहेंगे? यहाँ के लोग हमसे घृणा करते हैं। दुकान में जाओ तो दुकानदार सामान नहीं देता, दूध वाला दूध नहीं देता। मेरी मानो हम यहां से कहीं और चले जाएंगे। हम जरूर चले जाएंगे। मैं आज ही शेखर से मिलती हूँ। क्या हो गया मेरे घर? देखिए मैं जेलर साहब से मिलना चाहती हूँ। देखिए मैम, जेलर साहब से ऐसे नहीं मिला जा सकता, उनसे परमिशन लेनी होगी। मेरा बेटा इस जेल में है, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। अरे तो मैं क्या करूँ, जेलर साहब से आप ऐसे नहीं मिल सकती। थोड़ी देर के लिए मुझे उनसे मिले दीजिए ना। अरे नहीं मिल सकती आप सर। नमस्ते जेलर साहब, देखिए मैं बहुत दिनों से अपने बेटे को मिलने की कोशिश कर रही लेकिन ये लोग मुझे मिलने ही नहीं देते, आप मेरी मदद कीजिए। कौन है आपका बेटा, क्या किया है उसने? उसका नाम क्या है? शेखर। शेखर, अच्छा तो आप उस बलात्कारी हत्यारे की मां हैं। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आप जा सकती हैं। अरे जेलर साहब, खूनी लुटेरों डाकुओं के साथ रहते रहते
आपके आंखों पर, आपके सोच विचार पर पर्दा पड़ गया है, लेकिन आप जैसे लोगों से दया की उम्मीद नहीं की जा सकती। दिल नहीं, पत्थर है आपके सीने में। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, इस संसार में भगवान श्री कृष्ण पर भी मनी की चोरी का इल्जाम लग चुका है, फिर भी लोग उनकी पूजा करते हैं। क्यों? इस जेल में वही कैदी आते हैं जिन्हें अदालत सजा सुनाती है और जिन पर जुर्म साबित होता है। वो मुल्जिम नहीं, मुजरिम होते हैं। आपका बेटा एक मुजरिम है, इसीलिए इस जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रहा है वो। क्या सजा सुनाने से लोग मुजरिम हो जाते हैं? जहां कानून की बुनियाद केवल सबूतों पर ही खड़ी हो, वह एक निर्दोष अपराधी साबित हो सकता है। लेकिन ये बात आप नहीं समझोगे जेलर साहब, आप नहीं समझोगे। सुनिए, क्या करती हैं आप? टीचर थी पर अब रिटायर हो चुकी हूँ। लेकिन जेलर साहब, मेरा शेखर भी टीचर था, लड़कियों के स्कूल में पढ़ाता था। क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो यार, साहब आ जाएंगे। अरे क्या कर रहे हैं, जल्दी कर। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, जेलर साहब के आने का समय हो रहा है, उनके आने से पहले इसे अंडा सेल में शिफ्ट करना है भाई। अरे किसी लोहार को बुलाकर ताला कटवाओ, वरना सबके सब सस्पेंड हो जाओगे। तुम लोगों ने काम ही ऐसा किया है। साहब, साहब, ये सेल मैंने ही बंद किया था साहब, पता नहीं वो चाबी कहाँ खो गई, कुछ पता नहीं साहब। हाँ साहब, ये ठीक कह रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, चाबी ढूंढना तुम्हारा काम है, जमादार से पूछो या कचरे के डब्बे में देखो, समझे? जी। अरे यार, हम लोग आपस में एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? सामने जो कहा है वो करो ना, हम जाके चाबी बनाने वाले को लेके आते हैं। हाँ यही करते हैं, चलो। इतने बेचैन क्यों हो? तुम्हें यहां से कोई नहीं ले जा सकता, कोई नहीं। कौन है, कौन है यहां, कौन है? अच्छा, मुझे नहीं पहचानते? तुम तो कहते हो तुमने मेरा बलात्कार किया, मेरी हत्या की, और मेरी आवाज भी नहीं पहचानते। शांति, शांति शिवराजन, मेरा नाम तो तुम्हें याद है। हाँ यही है मेरा नाम। अब देखती हूँ कि तुम मेरी शक्ल पहचानते हो या नहीं। क्यों आई हो? मैं यहां इसलिए आई हूं कि तुम्हें यह बता सकूं
कि तुम्हारी माँ अभी भी तुमसे यहाँ मिलने के लिए आई थी। मेरी माँ आई थी? हाँ, तुमने जुर्म करते वक्त क्या आपने माँ के बारे में नहीं सोचा? मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें पता नहीं है लेकिन मुझे पता है, और मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि चार सौ तेरह आपका साहब ने बुलाया है। शांति, शांति, पता नहीं है कि तुम किस आदमी के साथ क्या खेल खेल रही हो। जलो साहब, आपको पता नहीं किस्मत लोगों के साथ कैसे कैसे खेल खेलती है। आज मेरी वजह से आपकी बेटी इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ी है। क्या? हाँ जलो साहब, पहली बार आपकी बेटी ने उसके कमरे में मुझे देखा, मेरा परिचय जाना और वो बेहोश हो गई। फिर से जब उसे हॉस्पिटल में होश आया तब उसने मुझे देखा और फिर से बेहोश हो गई। तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? नहीं जनरल साहब, आत्मा हवा होती है और आप हवा को छूने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम मुझसे? शेखर तुम्हारा अपराधी है, मैंने नहीं। जलर साहब, यही तो बताने के लिए मैं यहां आई हूं, शेखर ने मेरा बलात्कार नहीं किया है और उसने मेरी हत्या भी नहीं की है। क्या? हाँ जलर साहब। ये कैसे हो सकता है? मेरा बलात्कारी और मेरा हत्यारा तो इस वक्त बड़े आराम से 5-स्टार होटल के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है। लेकिन शेखर ने खुद अदालत में अपना जुर्म कबूल किया है। नहीं जलर साहब, शेखर ने वो जुर्म बेबसी में मजबूरी में कबूल किया है, वो अपराधी नहीं है। अगर शेखर अपराधी नहीं है तो फिर अपराधी कौन है? नहीं जेलर साहब, शेखर ने वो जुर्म बेबसी में मजबूरी में कबूल किया है, वो अपराधी नहीं है। अगर शेखर अपराधी नहीं है तो फिर अपराधी कौन है? जेलर साहब, अपराधी कोई और ही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अदालत गवाह मांगती है, सबूत मांगती है। अदालत में सबूत पेश किए गए होंगे, गवाह पेश किए गए होंगे, और अदालत का तो ये कहना है कि भले 100 मुजरिम छूट जाएं लेकिन किसी एक बेगुनाह इंसान को सजा ना मिले। अदालत में सबूत भी पेश किए गए, गवाह पेश किए गए, शेखर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, पर शेखर अपराधी नहीं है।
वो बेगुनाह है। मैं बताती हूँ ये सब कैसे हुआ। आने दो भैया को, मैं कभी उनसे बात नहीं करूंगी। जाओ बेटा तुम खेलो। अरे शांति अब क्या हुआ, देखो ना भाभी कितना अच्छा प्लान बनाया था। साथ साथ पिकनिक जाएंगे, एंजॉय करेंगे और फिर हमें मूवी लेके जाएंगे। अभी खुद तो आए नहीं, हमें यहाँ बिठा के रखा है। मैं तो बिल्कुल बात नहीं करने वाली हूँ उनसे। इतनी उतावली क्यों हो रही हो, आ जाएंगे तुम्हारे भैया। दीदी धीरज रखो। माँ मेरा बलून उड़ गया। रुक तो वहीं पे रुक, मैं लेके आती हूँ तेरे लिए। Excuse me? बलून प्लीज। ये अब तक आप बलून से खेलती हैं? वो बिट्टू का है, मेरे भाई के बेटे का। वैसे मेरा नाम अशोक खुराना है और प्यार से लोग मुझे अक्की कहते हैं। आप भी मुझे अक्की बुला सकती हैं। ये लीजिए आपका बलून। वैसे मैं इस बलून का बहुत शुक्रगुजार हूं, इसकी वजह से आज मैं आपसे मिल गया। मेरा नाम तो पता चल गया आपको, अपना नाम नहीं बताएंगी? शट अप, बड़े स्मार्ट समझते हैं अपने आप को। जनता से जूते खाने का बड़ा शौक लगता है। बड़ी तीखी है, मजा आएगा के बहुत मजा आएगा। अब मैं सोचती हूँ वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने अशोक का मुंह देखा था। जेलर साहब मुझे तो ये भी पता नहीं था कि वो मेरा पीछा करने लग गया था। इतनी खूबसूरत लड़की बस स्टॉप पे खड़ी हुई शोभा नहीं देती। मेरी गाड़ी में बैठकर मेरी गाड़ी की शोभा बढ़ाइए, कहिए कहाँ छोड़ दूँ आपको। तुम तो चेहरे से कोई सड़क छाप रोमियो लगते हो, मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगती। गेट लॉस्ट। हे हे कूल कूल कूल। हाँ ठीक है, आप अपना नाम ही बता दीजिए। देखो तुम अगर ऐसा सोचते हो कि तुम कोई बदमाश लगते हो और मैं तुमसे डर जाऊंगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं कोई बदमाश नहीं हूं मेम साहब, मैं तो आपको लिफ्ट देने की कोशिश कर रहा था। शांति जी तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं जिस शख्स में दिलचस्पी रखता हूँ ना उसके बारे में सब कुछ जान लेता हूँ, सब कुछ। लगता है तुम्हारी ये रिसर्च किसी पुलिस थाने के लॉकअप में ही खत्म होगी। मैम मैम अरे लेकिन मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन एक बात मुझे बार बार परेशान कर रही है। शेखर टीचर था, आखिर ऐसी कौन सी लालच या मजबूरी थी जिसके तहत शेखर ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया? जेलर साहब वही तो बताने जा रही हूं। नमस्ते डॉक्टर साहब। आओ शेखर आओ बैठो। शेखर जो बात मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था वो बात आज मुझे तुम्हें बतानी होगी, क्योंकि ये बात ना तो मैं तुम्हारी मां से कह सकता हूं और ना ही तुम्हारी वाइफ से। हेलो डॉक्टर। ओ हाय अशोक आओ। हेलो डॉक्टर हाउ आर यू? फाइन बैठो बस दो मिनट। आप क्या कह रहे थे? शेखर तुम्हें लीवर का कैंसर और कैंसर अब इलाज से बाहर हो चुका है। लीवर कैंसर?
मैं जितना भी चाहूं तुम्हें साल डेढ़ साल से ज्यादा जिंदगी नहीं दे सकता, इसलिए तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना होगा। परिवार के बारे में तो सोचना पड़ेगा सर, बहुत सारी जिम्मेदारी है मुझ पर, एक बूढ़ी मां है, बीवी है, एक छोटा सा बच्चा है सर, उनके बारे में तो सोचना पड़ेगा मुझे, कुछ न कुछ करना पड़ेगा उनके लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूं। जेलर साहब, अब तो आप जान गए होंगे कि शेखर की मजबूरी क्या थी। हाँ, अभी तुमने मुझे बताया अशोक के वैशीपन के बारे में। काफी दिनों तक अशोक को मैं सहती रही, उसकी बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब तक तो वो मुझे सिर्फ बाहर मिल रहा था, लेकिन उस दिन जब मैं घर पहुंची, हाय याद है उस पार्क में हमारी मुलाकात एक बलून की वजह से हुई थी, तो मैंने सोचा कि 15-20 बलून ले चलूं, कम से कम हमारी मुलाकात की गाड़ी आगे तो बढ़ती रहेगी। मगर तुम मेरे घर तक कैसे पहुंच गए? अरे शांति, अच्छा हुआ तुम आ गई, इनसे मिलो। ये है मिस्टर अशोक खुराना, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी इनके पिताजी की है, और मिस्टर अशोक खुराना यह है मेरी प्यारी बहन शांति, बीएड है, टीचिंग के प्रोफेशन में जाना चाहती है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, इस शहर में काफी अच्छी अच्छी कोचिंग क्लासेस है, इन्हें आराम से जॉब मिल जाएगा। वैसे एक बात बताइए, ये आप खड़ी क्यों हैं? देखिए मैं आपका मेहमान हूँ, मुझे चाय पिलाइए और खुद भी पीजिए, बैठिए बैठिए। हाँ हाँ बैठो बैठो शांति। और हाँ, चाय बैठ के पीने में मजा आता है, ये लो बेटा खेलो। ये लीजिए अशोक जी, मैं आपके लिए कुछ स्नैक्स लेके आता हूँ। थैंक यू, स्वीट ऑफ यू। तो मैम साहब, हमारी दूसरी मुलाकात हो ही गई, वो भी आप ही के घर में। वैसे एक बात बताइए, ये शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है, 20-22 में कर लेनी चाहिए या 28-30 में, क्यों? हेलो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, आप ही से पूछ रहा हूं मैं। जेलर साहब, कितनी बार उसने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की, पर हर बार मैं बच निकली। बहुत बार मन में ये ख्याल आया कि भैया को ये जाके सब बता दूं, पर फिर सोचा कि ऐसा ना हो कि उनकी नौकरी पर बनाए। उधर अशोक जी तोड़कर अपनी कोशिशों में लगा हुआ था, और एक दिन उसने ऐसा जाल बुना कि मैं उसमें फंस गई। शांति शांति, क्या बात है भैया? ये देखो कितना बढ़िया ऐड है, वांटेड ट्रेन टीचर्स। वांटेड ट्रेन टीचर्स, दो बच्चों को फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, सैलरी 15,000 रुपीज और विद कन्वेंस। और जैसे ही मैंने ये ऐड देखा ना, वैसे ही राकेश जी को कांटेक्ट किया। हाँ शांति, तुम्हें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है, एक्चुअली ये नौकरी बहुत अच्छी है और कंपनी भी बहुत अच्छी है, आपको जल्द से जल्द वहां कांटेक्ट करना चाहिए, जल्द से जल्द नहीं बल्कि अभी के अभी। ये लीजिए, मेरे ट्रूपेड से फोन कीजिए, कमॉन कमॉन गो एड। आ जाओ,
अंदर आ जाओ। सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ। आओ। दरवाजा खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। वेलकम 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 टू माय वर्ल्ड। तुम? हाँ मैं। बहुत दिनों से सोच रहा था कि कब ये चिड़िया मेरे हाथ आएगी। आज आई गई। तो इसका मतलब है मुझे फंसाने के लिए वो इश्तेहार तुमने न्यूज़पेपर में दिया था। जी क्या करूं क्या करूं। बहुत दिनों से कोशिश करा था कि तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाऊं, लेकिन तुमों की हर बार मेरा हाथ झटक देती थी, हर बार मेरी बेइज्जती कर देती थी। यहां तक कि मुझे कई बार लताड़ भी दिया तुमने। वो मेम साहब, वो कहावत तो सुनी होगी ना कि दूध देने वाले गाय की लात भी खानी पड़ती है। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। तुम्हें क्या लगा मैं खामोश रहूंगी? मैं सारी दुनिया को जाकर तुम्हारी असलियत बताऊंगी। मैं जा रही हूं। तुम क्या समझती हो कि तुम मेरी इस दुनिया से बाहर जा सकती हो? नहीं, नहीं। मैं देखती हूं मुझे कौन रोकता है। मैं रोकूंगा तुझे। मैं चल हट। जाति कहाँ है? पहेलिये के चाल में जब पंछी फंसता है ना तो वो ऐसे ही तड़पता है। ऐसे ही छोड़ दो मुझे। ये तो मर गए। ये तूने क्या किया? क्या किया आखी तूने? क्या किया तूने? वहीं पर रहना, दफ्तर छूटने के बाद मैं तुम्हें वहीं से पिकअप कर लूंगा, ठीक है? चलो बाय।
नमस्ते सर। तुम वही हो ना जिसे डॉक्टर नरेश के क्लिनिक में देखा था मैंने? जी सर, मेरा नाम शेखर है। मगर तुम यहाँ क्यों आए हो? सर, मैंने अखबार में इश्तेहार पढ़ा था कि आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत है, तो हमें कोई टीचर नहीं चाहिए, हमने टीचर रख लिया है। हाँ सर, सर सर प्लीज सर, एक बार आप मेरा रिज्यूमे पढ़ लीजिए, मुझे ये नौकरी की सख्त जरूरत है सर। सर एक बार आप मेरा बायोडाटा पढ़ लीजिए प्लीज सर, प्लीज। अकी काम का आदमी है ये। ठीक है, आओ आओ अंदर आओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शेखर, अब याद आ गया, डॉक्टर नरेश ने बताया था कि तुम्हें लिवर कैंसर है और तुम्हारी जिंदगी यही कोई साल डेढ़ साल की। जी सर। सर मेरे पास जिंदगी बहुत कम बची है और भगवान ने मुझे बहुत सारी जिम्मेदारी दे दी है। मेरी एक बूढ़ी माँ है सर, एक बीवी है, छोटा सा बच्चा है। मैं चाहता हूं मेरे चले जाने से पहले अगर मैं उनके लिए कुछ कर पाऊं, कुछ रकम जमा कर पाऊं, तो इसलिए सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये नौकरी अगर मुझे मिल जाती तो मेरे परिवार वाले आपको दुआ देते। अगर कोई तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी उठा ले तो मैं उस देवता के लिए कुछ भी कर सकता हूं सर। अगर मैं तुम्हारे परिवार को 10 लाख रुपए दे दूं तो तुम मेरे लिए जेल भी जा सकते हो, राइट? 10 लाख? अपने परिवार के सुखी भविष्य के लिए मैं इससे भी बड़ा काम कर सकता हूं सर। कोई अपराध कर सकते हो? अभी तक तो कोई अपराध नहीं किया सर, लेकिन अब जब जिंदगी में कोई उम्मीद बाकी ही नहीं बची तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। तुम्हें कोई अपराध नहीं करना है बल्कि एक इल्जाम अपने सर पर लेना है। मंजूर है, मुझे मंजूर है। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। मर गई बेचारी। मेरे दोस्त, अगर तुम्हें 10 लाख रुपए चाहिए ना तो मेरी बात गौर से सुनो। जेलर साहब, एक इंसान इतना मजबूर और बेबस हो सकता है ये दुनिया वालों को पता ही नहीं होगा। अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपने बच्चे के लिए शेखर क्या करने जा रहा था उसका अंदाजा शायद उसे भी न था। शायद उसे यह भी नहीं पता होगा कि अगर उसे सजा मिलने के बाद अशोक ने उसके परिवार वालों को रुपए ना दिए तो वो और उसके परिवार वाले क्या करेंगे। बस उसे तो यह पता था कि अशोक ने उसे जो बताया वो उसे करना है। एक मजबूर और बेबस इंसान गुनहगार बन चुका था। उधर अशोक ने एक गुमनाम इंसान बनकर पुलिस स्टेशन फोन कर दिया और शेखर मेरी लाश के साथ पकड़ा गया। उधर जब भैया ढूंढते ढूंढते उस बंगले पर जा पहुंचे तो उन्हें वॉचमैन ने बताया कि ऐसा कोई भी परिवार और बच्चे यहां रहते ही नहीं है। इस घर का मालिक तो कई दिनों से इंडिया से बाहर चला गया है। तब तो उस खूनी अशोक को सजा जरूर मिलनी चाहिए। वह दरिंदा बाहर ऐश कर रहा है और उसके किए की सजा एक बेगुनाह जेल में भुगत रहा है।
अब मुझे शेखर की रिहाई के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जेलर साहब, जब तक अशोक को सजा नहीं मिलेगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। हाँ, तुम्हारी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक अशोक को सजा और शेखर को इंसाफ नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो मैं शेखर से माफी मांगूंगा, जिसके साथ अनजाने में मैंने बहुत 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 बुरा सुलूक किया। नहीं जेलर साहब, ये सब आप क्या कह रहे हैं? हाँ शेखर, मुझे सच्चाई का पता चल गया है। मुझे अफसोस है कि जिस जुर्म की सजा तुम भुगत रहे हो वो जुर्म तो तुमने किया ही नहीं। जेलर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, इस सच्चाई का जिक्र आप किसी से मत कीजिएगा प्लीज, वरना मेरे परिवार वालों को जो रुपए मिलने वाले हैं वो भी नहीं मिलेंगे। मैं बीमार हूं जेलर साहब, और मुझे उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन मैं जानता हूं साल डेढ़ साल में मैं इसी जेल में मर जाऊंगा। नहीं शेखर, तुम्हारा इलाज कराया जाएगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये मेरा वादा है। अरे शेखर, तुम तो टीचर हो, दुनिया को ऐसी मिसाल देकर मानना चाहते हो। शेखर, जिस दिन शिक्षा गलत हो जाएगी उस दिन शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं होगा। विश्वास है कि तुम्हारी मां वो 10 लाख रुपए उससे ले लेंगी? तुम खामोश हो गए शेखर, तुम्हें शायद पता नहीं कोई भी मां अपने बेटे का कफन नहीं बेच सकती। जो सजा तुमने भुगत ली वो बहुत है। अब तुम अशोक को फोन करोगे और उसे ये पूछोगे कि क्या उसने वो 10 लाख रुपए तुम्हारी मां तक पहुंचा दिए। ठीक है शांति, लेकिन मैं फोन कहां से करूंगा? थैंक यू जेलर साहब। हेलो। हेलो अशोक जी, मैं शेखर बोल रहा हूं। शेखर? अरे कौन शेखर बे? अब तो मेरा नाम भी भूल गए अशोक जी, और नाम भूल गए तो जाहिर बात है आपने मेरे घर वो 10 लाख रुपए भी नहीं पहुंचाए होंगे ना। 10 लाख? कौन से 10 लाख? ए, चल फोन रखा, यहां आइंदा फोन नहीं करना, समझा क्या? अशोक जी फोन मत काटना, अगर आप फोन काटेंगे तो नुकसान आप ही का होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज भी साबित कर सकता हूं कि डेली न्यूज में वो इश्तेहार आप ही ने छपवाया था जिसकी वजह से शांति बर्बाद हो गई और बाद में आपने उसे जान से मार दिया। आप शायद भूल रहे हैं लेकिन आपने उस एड की पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड से की थी। अशोक जी, शांति का भाई अभी जिंदा है और जब उसे यह पता चलेगा कि वो इश्तेहार आपने छपवाया था और यह पता चलेगा कि आपने उस बंगले के चौकीदार को रिश्वत देकर भगा दिया था, तब आपका क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता अशोक जी। शेखर ठीक है, मैं 10 लाख रुपए तो तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा, लेकिन इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना, बिल्कुल भी जिक्र नहीं करना। अशोक जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना मुंह बंद ही रखूंगा, लेकिन आप वो रुपए मेरे घर वालों को जल्द से जल्द भिजवा दीजिए। ठीक है, मैं भिजवा दूंगा।
Any problem, ma'am? Actually, मैं किसी ऑटो का वेट कर रही थी. ऑटो? और इस इलाके में? वो भी इस वक्त? Impossible. आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ दूं? Thank you so much. Please आप मुझे किसी होटल तक छोड़ सकते हैं जो ज़्यादा महंगा ना हो और मैं जहाँ 2-4 दिन आराम से रह सकूं. होटल? या मतलब आप इस शहर की? मैं नहीं आई हूँ, मैं एक्चुअली जॉब की तलाश में आई हूँ. ओह, तो इसका मतलब ये है कि आपको मेरी मदद की सख्त जरूरत है और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले आपको ये बताना होगा कि आप आई कहाँ से हैं मेम साहब. सहारनपुर से. सहारनपुर से? मेरे मम्मी दादी वहीं रहते हैं, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो अब मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ. एक बात बोलूँ, आप बिल्कुल सही जगह आई हैं. यहाँ आपको रहने के लिए जगह भी मिलेगी और आपके लायक काम भी मिलेगा. I'm Shikha. Hi. I am Ashok Khurana. You can call me Akki. Akki. Oh yeah, sure. Please. Thank you. Help yourself. It's okay. Sorry. It's okay. ये बंगला जो देख रहे हैं ना मेम साहब, ये मेरे दोस्त का है. वो यूरोप शिफ्ट हो गया और चाबी मेरे पास देके गया है, ताकि मैं आप जैसे कुछ खूबसूरत लोगों की सेवा कर सकूं. थैंक यू अक्की. तो क्यों ना चला जाए अंदर. श्योर, लेट्स गो. ये आइए, जरा संभल के, अंदर काफी अंधेरा है. मैं जरा लाइट ऑन करता हूं, दो मिनट. ये. मैम साहब, ये है छोटा सा आशियाना. आप इसे छोटा सा आशियाना कह रहे? ये तो एक आलिशान सा बंगला है. वाव. और एक बात, आप जब तक चाहें यहाँ पे रह सकती हैं. All yours. यहाँ पे और कोई नहीं रहता? नहीं, फिलहाल तो यहाँ पे कोई नहीं रहता. तो फिर आप कहाँ रहते हैं? मैं मालाबार हिल. मालाबार हिल्स? इसका मतलब मैं अकेली रुकूंगी? नहीं अक्की, मैं अकेले नहीं रुक सकती. ओके, इसका मतलब है कि इसका भी कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा. ठीक है, मैं आपके लिए कल कोई मेड सर्वेंट भेज देता हूँ. कल? नहीं, मैं आज रात यहाँ अकेले नहीं रुक सकती. अक्की, डू मी दिस फेवर, आज रात मुझे किसी होटल में कमरा दिलवा दीजिए प्लीज. होटल? And you? No ways, ma'am saab. इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है मेरे पास. कैसे? If you don't mind, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ आज. That would be great. Thank you so much. तो फिर चलें ऊपर बेडरूम में आपके. Let's go. ये है आपका छोटा सा प्यारा सा बेडरूम. इट्स वंडरफुल. एक काम करिए, आप फ्रेश होकर आइए उधर बाथरूम में, तब तक मैं यहाँ पर आपका वेट कर रहा हूँ. उसके बाद हम और आप मिलकर किसी शानदार से होटल में शानदार सा डिनर करेंगे. ओके? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी होटल से खाना ऑर्डर कर दें. एक्चुअली मुझे भीड़ भाड़ वाली जगहों से किसी अकेले आदमी की कंपनी बहुत पसंद है. एक्चुअली आई फील द सेम. मेरे आपके ख्याल काफी मिलते जुलते हैं. ठीक है, मैं फोन करके मंगा लेता हूँ यहीं पे. ओके? ओके, अब मैं फ्रेश होके आती हूँ. व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. ये तो बड़ी आसानी से जाल में फंस गए यार. क्या?
क्या बात है अकी, क्या बात है। लगता है तेरी किस्मत सोने की कलम से लिखी गई है यार। और एक नया शिकार हो जा तैयार। हेलो क्या बात है अक्की, लगता है तेरे साथ लुका छिपी का गेम खेला जा रहा है। कम ऑन मैन। हेलो, अरे कहाँ हो स्वीटहार्ट, कम ऑन यार, व्हाट इज दिस, अरे कहाँ छुप गए हो तुम। देखो अब मेरे साथ ये लुका छिपी का खेल मत खेलो तुम। हाँ दैट्स वेरी बैड। मैं यहाँ हूँ अक्की। ओके तो वहां है आप। आ रहा हूँ मैं। आ रहा हूँ, बस पहुंच रहा हूँ तुम्हारे पास। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ अक्की। ओके आ रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ अक्की। अभी यहाँ से आवाज आई, अभी उधर से आ रही है, ये क्या हो रहा है यार? हे दिस इज टू मच। हाँ शिखा, शिखा देखो अभी ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ प्लीज प्लीज बाहर आ जाओ, प्लीज बाहर आ जाओ शिखा। ओ गॉड, ये लड़की तो मैं हूँ अक्की। शिखा तुम देखो, शिखा बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेला। हाँ कम आउट, कम ऑन प्लीज, कहाँ हो तुम? शिखा प्लीज कम ऑन यार, आउट प्लीज। शिखा कहाँ हो तुम? कौन 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 है वो? शिखा शिखा देख, देखो बहुत हो गया मजाक। हाँ अब प्लीज मेरे पास आ जाओ। शिखा where are you? कहाँ हो तुम? where are you damn it? मैं आऊँ अक्की। ओह तो आप यहाँ हैं। एक घंटा हो गया मुझे तुम्हें पागलों की तरह ढूंढते हुए और तुम यहाँ खड़ी होकर मुस्कुरा रही हो। शांति शांति शांति। हाँ शांति, क्यों कैसा लग रहा है? यही वो बंगला है जहां तुमने मुझे धोखे से बुलाया था, और यही वो जगह है जहां मैंने अपनी लाज को लूटते हुए देखा था, और यही वो जगह है जहां तुमने मुझे गला घोट कर मार डाला था, और उसके बाद एक बेबस और मजबूर इंसान को दौलत का ख्वाब दिखाकर उसे अपने सिर का इल्जाम उसके सिर पर डालकर उसे उम्र कैद की सजा दिलवा दी, और तुम सोचते हो तुम इससे बच के निकल जाओगे? नहीं अशोक नहीं, मैं जब जिंदा थी तो एक मजबूर और बेबस लड़की थी जिसके अपने कुछ ख्वाब थे, उसे कुछ करना था, कुछ बनना था, पर तुम्हारी हवस ने उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। मैं उसी का बदला लेने आई हूं, मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीनने आई हूं मिस्टर अशोक खुराना, ताकि तुम ऐसा सुलूक फिर से किसी लड़की के साथ ना कर सको जिसके साथ तुम यहां आए थे। वो लड़की
जेलर उमराव सिंह की बेटी, यानी मैं उसका रूप बदल कर यहां आई थी। नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे लिए तो दोनों तरफ मौत है मिस्टर अशोक खुराना, दोनों तरफ मौत। यहां मैं हूं और बाहर फांसी का फंदा। मैं तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगी। मुझे मत मारो शांति। मैं मानता हूं कि मैं बहुत कमीना आदमी हूं। मेरे बाप की दौलत ने मेरी आंखों पर हवस की पट्टी बांध दी थी शांति, इसीलिए मुझे हर लड़की एक जैसी दिखने लगी शांति। एक्चुअली मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। वो तो मैं बहुत डर गया था और उसी डर के कारण मैंने तुम्हारा गला दबा दिया। मुझे माफ कर दो शांति, मुझे मत मारो शांति, मत मारो मुझे। पर मैं तो तुम्हें मारना चाहती हूँ मिस्टर अशोक खुराना, क्योंकि मैं अब वो बेबस और कमजोर शांति नहीं हूँ, मैं उसकी आत्मा हूँ। और हम में जो बातें हुई वो रिकॉर्ड हो चुकी है। ये इकबाले बयां अदालत तक चला जाएगा और शेखर जेल से रिहा हो जाएगा और तुम जैसा जलील मेरे हाथों मारा जाएगा और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कहाँ है वो दरिंदा? उसको उसकी सजा मिल गई और आपको उसका इकबाली बयान। अब शेखर को रिहा करने की जिम्मेदारी आपकी। अर्शिका, मेरी वजह से तुम्हें काफी तकलीफ उठानी पड़ी, माफी चाहती हूं। मेरा काम हो गया, मुझे मुक्ति मिल गई। शेखर की बेगुनाही के सबूत मिल गए। शेखर बहुत ही जल्दी रिहा हो जाएगा, ये मेरा वादा है।